Assalamu alaikum. First of all, thank you so much, Ahmed, for the invitation and for organizing this event on this very important day, and of course for remembering Kashmiri women. So I would like to just clear one thing. I am from Lowardi. I started my journey when I was 16 years old. मेरी मदर मेरे साथ है, यहाँ पे मौजूद है. मैं पिछले 24 साल से ख्वातीन की सियासी और माशी तरक्की के लिए मैं काम कर रही हूँ. 24 साल में ये दिन हर दफ़ा मैंने मुख्तलिफ इवेंट्स में गुजारा है, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ इवेंट्स में. आज का मेरा फैसला ये था कि आज का दिन मैं अपनी अम्मी के साथ गुजारूंगी, बिकॉज दिस इज़ आवर डे. क्योंकि मेरी अम्मी उन ख्वातीन में शामिल हैं. आप लोगों को मैं ये बता दूं कि दीर वॉज स्टेट इन पाकिस्तान अंटिल 69. हम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं 69 में. बिफोर इट वॉज रूल्ड बाई अ नवाब. हमारे नवाब में और जो स्वात का वाली स्वात था उसमें बहुत फ़र्क था. हमारे जो नवाब साहब थे वो बड़े एजुकेशन के बड़े अगेंस्ट थे और डेवलपमेंट के बड़े अगेंस्ट थे. वाली स्वात कंपेरेटिवली ही वॉज अ बेटर पर्सन. वो वेलकम करता था एजुकेशन और सारी चीज़ों को. 82 में दीर में जो बाद में जो एजुकेशन की हर से जो सेंसिस रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी जो एजुकेशन की हमारी जो रेशो थी दैट वाज 6%. 1% अमंग वुमेन और जो 5 था वो दैट वाज इन मेन, मर्दों में. वहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद एक मैं उनको एक ब्रॉड माइंडेड एक एजुकेटेड इंसान समझती हूँ कि जिन्होंने मुझे दीर जैसी सोसाइटी में मुझे ये उम्मीद दी, ये हिम्मत दी कि मैंने मलाकन डिवीज़न की पहली ख़वातीन तंजीम बनाई. सो फ्रॉम 1994 मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. आई वॉज अ वेरी यंग वुमेन दैट टाइम, आई एम स्टिल यंग. सो मेरी जर्नी जारी रही. मेरा ताल्लुक खुद उस रीजन से है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, स्पेशली अफगानिस्तान की जो जंग है उससे हमारी जिंदगियाँ मैं समझती हूँ बहुत मुतासर हुई है. मुझे बचपन में मेरी बहुत सारी मेमोरीज मुझे याद हैं आज भी है कि मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ थोड़ा बहुत कि जिस चीज़ से कश्मीर की बहनें गुजर रही हैं, दो जिस स्केल पे हम कॉन्फ्लिक्ट से इफ़ेक्ट हुए हैं उस स्केल में और जो कश्मीरी की जो ख़वातीन की ज़िंदगी मुतासर हुई हैं उसमें बहुत ज़मीन का आसमान का फ़र्क है. सो मैं आज के दिन कश्मीर की हर बहन को, हर माँ को मैं सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन हम उनके साथ मिलकर ये दिन बनाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आज का दिन सिर्फ हमारा दिन नहीं है, यह हम सब का दिन है. हमने थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज करने के लिए हम कहते हैं कि ये ख़वातीन का दिन है. कुछ लोग कहते हैं मर्दों का भी दिन होना चाहिए. फिर हम कहते हैं आपके 365 दिन में 364 होते हैं एक दिन हमारे नाम, तो आप लोग माइंड ना करें. हम सब मानते हैं. हम यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूथ से बात करती हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूँ. दीर में यूनिवर्सिटी नहीं थी. मैंने अपने काम जारी रखे. बाद में अभी मैंने MBA किया है, प्राइवेट किया है, सॉरी MBA अभी मैंने इवनिंग में भी रेगुलर किया है. मुझे शौक आज भी पढ़ने का मैं करूँगी जारी. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज भी शायद हम लोग कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस के शिकार हैं. मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करती हूँ और मैं लोगों को बताती हूँ कि पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं पश्तून हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हकूक जो है उसके लिए जब मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मुझे मुश्किलात भी हैं लेकिन मुझे बहुत आसानियाँ भी हैं. मेरे मुल्क में खातून वज़ीर आज़म भी बनी हैं, अभी जज भी बनी हैं, वकला भी हैं, पुलिस में भी है, आर्मी में भी हैं, लेकिन मेरे कुछ मसले भी हैं. सो उन मसलों पर आवाज़ उठाना, उस पर बात करना, उस वो इसलिए है बिकॉज हम और बेहतर होना चाहते हैं. हम पाकिस्तान को और बेहतर देखना चाहते हैं. एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि हम इकट्ठे हों. तो ये जो एक तफरीक है, ये जो डिवीजन है कि जी वुमेन राइट्स के बारे में बात करना इज लाइक समथिंग अगेंस्ट और कल्चर और रिलीजन. नहीं, आप लोगों को पता है हमारे रिलीजन ने जो कुछ दिया है वो पूरी दुनिया में और किसी रिलीजन में शायद हो, लेकिन जितना ही जितना हमारे रिलीजन में इंस्परेशन है, मिसालें. सो द थिंग इज कि उन सारी चीज़ों को हमारा वर्सा है, हमारी पहचान है, उसको लेके चलेंगे और हम मिलके जो ख़वातीन का दिन है और जो सारी ज़िंदगी है हम कोशिश करेंगे कि हम ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनकी इशू को रिजॉल्व करने में हम अपना अपना हिस्सा डालें और मिलके करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा. आखिर में मैं एक बात करना चाह रही हूँ कश्मीर के हवाले से. जब भी बात आती है सो इंटरनेशनल कम्यूनिटी तो इसे हमें बाइस नज़र आती है और वो एक फैक्ट है.
लाइक जिस तरह हम, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है कि औरत चाहे जहाँ पे रहे, उसका जो भी मजहब हो, उसका जिस कौम से भी ताल्लुक हो, और इंसान की बात करते हैं, लेकिन ये कि आज चूंकि औरतों के लिए की बात हम करते हैं, तो हर इंसान के पास जो है उसको जिंदा रहने का हक है, उसके जो हकूक है उसको वो मिलने चाहिए। ये जहाँ भी होते हैं ये हम उसके खिलाफ है। फिर अगर ये औरत है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो बोस्निया में है, चाहे वो यूक्रेन में है, चाहे वो रशिया में है, बहुत जगह उसकी ज्यादती होती है, तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये जो आज थीम है ब्रेक द बायस जो है कि तासुब का जो है वो आप खात्मा करें, तो मैं समझती हूँ कि आज पूरी दुनिया हमारे साथ ये कमिटमेंट भी करे कि औरत का जहाँ भी ज्यादती होगी हम सब उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे कवानीन बनने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बननी चाहिए, फिर अमल भी होना चाहिए कि औरत हर जगह अपने आप को महफूज महसूस कर सके। थैंक यू सो मच।